Hello students, in this video we'll be discussing about viral STD that is hepatitis B. Subscribe कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. Hepatitis B is a viral STD virus causing STD. The causative organism is Hepatitis B virus. Hepatitis B virus is a double-stranded DNA virus, means having the genetic material is DNA. Double-stranded DNA is the genetic material of this virus. The symptoms of hepatitis B is nausea, vomiting. These are the two common, or we can say very general symptom of the hepatitis B virus. At the infection of hepatitis B, bilirubin and bilirubin are the two pigment whose concentration increases because of this infection. क्या होता है कि bilirubin और bilirubin दो pigments होते हैं जो कब release होते हैं हमारी body में, जब blood cells या RBCs जो है जब उनका breakdown होता है तब. लेकिन वो उनका जो removal है हमारी body से वो liver करता है. तो हेपेटाइटिस बी जब इन्फेक्शन हो जाता है तो जो इफेक्टिव ऑर्गन है वो हमारी बॉडी का लीवर होता है. तो उस टाइम जो लीवर की जो फंक्शनिंग है वो इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से ये दोनों पिगमेंट जो हैं वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाते हमारी बॉडी में से, और इसका जो कंसंट्रेशन है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, विच रिजल्ट इन जॉन्डिस. जॉन्डिस के टाइम पे जब हमारी स्किन येलोइश दिखना इसीलिए स्टार्ट होती है क्योंकि ये जो दोनों पिगमेंट है इनका कलर येलो होता है. ये ब्लड सेल्स के ब्रेकडाउन पर जो है रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, और इनका जो एक्सक्री जो रिमूवल है हमारी बॉडी से वो लीवर करता है. लेकिन हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से जो लीवर है वो इफेक्ट होता है, उसकी फंक्शनिंग इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से ये दोनों पिगमेंट जो है वो एक्सक्रेट आउट नहीं हो सकते, रिमूव नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है और जो हमारी स्किन है वो येलोइश दिखना स्टार्ट हो जाती है एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन ऑफ दिस वायरस हेपेटाइटिस बी वायरस एंड विच रिजल्ट इन टू जॉन्डिस. अब देखिए जो लीवर इन्फेक्शन होता है जब सीवियर कंडीशन आ जाती है तो उसे कहा जाता है लीवर सिरोसिस. लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस क्या होता है कि इस टाइम पर जो लीवर है वो फाइब्रस हो जाता है, और जितना लीवर हार्ड और फाइब्रस हो जाता है उतना नॉन फंक्शनल हो जाता है. ये एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है हेपेटाइटिस बी वायरस की. अब देखिए जो स्प्रेडिंग है वो कैसे होती है. स्प्रेडिंग एज वी ऑल नो दिस इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज. इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, और वी कैन से बिटवीन द partners having the sexual contact, and it is also transmitted by the blood transfusion. STD है तो ये sexual contact से transmit होगी, दूसरा blood से. अगर कोई infected person है hepatitis B virus से और उसका blood जो है वो healthy normal recipient को अगर चढ़ जाता है तो वो जो infection है blood के through जो infected person से healthy person में भी transmit हो जाता है. और body fluid, this is the method of transmission of this hepatitis B virus. Treatment, or we can say vaccination, also available for this hepatitis B virus. Vaccination में क्या है कि जो vaccination जो दी जाती है वो दी जाती है इनकी 3 doses में इसकी जो vaccine है वो दी जाती है 0 day 1 month and 6 month. जब बेबी पैदा होता है तो उसका जो फर्स्ट डे होता है उस टाइम पर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है. जब फिर वो 1 महीने का हो जाता है उस टाइम पर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है, और जब वो 6 महीने का हो जाता है
तब दी जाती है। इसकी जो ये वैक्सीन है ये 3 डोजेज में जो है वो दी जाती है जो भी अनअफेक्टेड पर्सन या फिर हेल्दी पर्सन है उसको। अब देखिए इसके लिए पैसिव इम्यूनिटी भी अवेलेबल है, मीन्स पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी दी जाती हैं पेशेंट को जिनमें ये इन्फेक्शन हो जाता है। मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर एच बी वायरस इज ऑल्सो प्रेजेंट, इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर एच बी और वी कैन से हेपेटाइटिस बी वायरस, दिस प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जो एंटीबॉडीज हैं वो हमारी बॉडी में नहीं बनी है, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जो एंटीबॉडीज है वो हमारी बॉडी में डाली गई हैं। दैट टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। मीन्स एक्टिव इम्यूनिटी होती है कि हमारी खुद की बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की हैं किसी पैथोजन के खिलाफ, लेकिन अगर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जो एंटीबॉडीज हैं वो अगर डाली गई हैं तब उन्हें कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी। दिस इज द वायरल डिसीज। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज हेपेटाइटिस बी वायरस, द जेनेटिक मटीरियल ऑफ दिस वायरस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए and the symptoms are nausea and vomiting. This is the common symptom or we can say general symptom. After that bilirubin and biliverdin pigment concentration increases in our body which result into jaundice, and in this disease the main effector organ is liver, due to which it becomes we can say the situation is called liver cirrhosis. In that case the liver become fibrous and hard, and the portion of the liver which become hard and fibrous becomes non-functional. And the spreading of this disease can be by the 3 methods, by sexually transmitted disease, means this disease is transmitted from one healthy person to from infected person to healthy person by the sexual contact, by the blood transfusion and body any other body fluid. अगर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का जो बॉडी फ्लूड है या ब्लड है वो भी ट्रांसफ्यूज अगर होता है किसी हेल्दी पर्सन के साथ, तो भी हेपेटाइटिस बी वायरस का जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट हो जाएगा हेल्दी पर्सन में। इसके लिए जो वैक्सीन है वो भी अवेलेबल है। वैक्सीन जो है वो 3 डोजेज में सप्लाई की जाती है जब बच्चा पैदा होता है उस दिन, फिर उसके 1 मंथ के बाद, फिर 6 महीने के बाद 3 डोज में इसकी जो वैक्सीन है वो दी जाती है। पैसिव इम्यूनिटी के लिए जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अगर हैं, मतलब किसी और बॉडी में प्रिपेयर करके अगर हमें दी जाती है तब हम उसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी हम तब कहेंगे जब वो एंटीबॉडीज हमारी ही बॉडी में बनी।